अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 और इट्स टाइम टू मॉर्निंग वॉक, सो लेट्स गो। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और टाइम हो रहा है 5:40 के अराउंड। सो आज मैं जल्दी चला गया था रनिंग पर, तो जल्दी आ भी गया, इसलिए तो अब फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद अपना जो डेली शेड्यूल है उसको फॉलो करते हैं। सुबह का मौसम हो रहा है ऐसा, चलिए अब चलते हैं अंदर। ब्रश करने का अभी टाइम हो रहा है 6:50, तो टाइम हो रहा है 7:45 से थोड़ा ज़्यादा, और पहली क्लास ख़त्म हो गई है। अब खाना बनाते हैं क्योंकि पापा को फिर मार्केट जाना है और मेरी भी क्लास ख़त्म हो गई है, तो मस्त बनाते हैं। और ये देखिए मैंने कितनी बड़ी रोटी बना रखी है आज, तो ये तैयार हो गया, इसके साथ मैगी बनेगी और फिर नाश्ता बनाएंगे। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और नाश्ता हो चुका है, तो अब अगला टाइम है अगली क्लास का, तो अगली क्लास शुरू करते हैं। और उससे पहले उन जो जो मेरी तरह किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर सफल होने का सबसे अच्छा रास्ता है कि मेहनत करना, और अगर सफल होना है तो पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलो शुरू हो गया 11:40 और लूसेंट को बंद करते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, अगली क्लास थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे। 11:40 तो एक शॉर्ट ब्रेक लेने की सोची थी, बट काम घर में काम भी बहुत हो जाता है, तो इसलिए मुझे पूरा 1 घंटा हो चुका है। तो अब अगली क्लास शुरू करते हैं अपनी, बाय द वे तो अगली मैं रिसीव करने वाला हूँ, तो शुरू करते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 12:20 और इस बार जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो अभी जैसे ही मैंने नेट खोला तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आई कॉलेज ग्रुप से कि एक कंपनी है पास में हरियाणा में जो एक पैकेज ठीक ठाक था और उसके बाद परमानेंट कर रही थी 1 साल बाद, तो उसी के बारे में देख रहा था। तो जब कंपनी पर कॉल किया तो मेरा पूरा 1 घंटा बर्बाद हो गया इसके बीच में और कोई फायदा नहीं हुआ इस चीज़ का। तो अगर आपको कोई भी, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है प्लस कुछ एक मैंने जॉब का एक्सपीरियंस है, अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे तो आप पूछ सकते हैं जॉब के बारे में, जॉब से रिलेटेड कुछ भी। चलिए ठीक है, अगर मैं आपको गाइड कर सका तो काफ़ी अच्छी बात होगी, आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो पढ़ाई तो हुई नहीं है आज, तो तब तक खाना ही बना लिया जाए। चलिए अब खाना बनाने का भी टाइम हो चुका है। खाना है ये एप्पल और ये मखाने, ये भी एक ड्राई फ्रूट होता है बेसिकली, क्योंकि आज दिन भर मैंने ये ड्राई फ्रूट खा के ख़त्म कर लिया है और मुझे इतनी भूख भी नहीं लगी है, प्लस अकेले में बनाने का मन भी नहीं कर रहा। तो चलिए नाश्ता करते हैं, मतलब लंच करते हैं, उसके बाद फिर सो जाऊँगा। तो अभी मैं सो करके उठ रहा हूँ और मुँह हाथ धो करके बैठ चुका हूँ टेबल पर, और टाइम हो रहा है 5 अप्रॉक्स, और अब शुरू करते हैं अपनी टेक्निकल की पढ़ाई। तो चलिए दोस्तों, अभी 5 बज चुके हैं और मेरी क्लास ख़त्म नहीं हुई है। बेटा वहाँ पढ़ने और पापा का कॉल आया कि मम्मी के लिए दवाई लेके आनी है, और मम्मी ने वहाँ से दवाई मेरे फ़ोन में व्हाट्सअप कर दी दवाई की फ़ोटो, तो मुझे यहाँ से मार्केट जाना होगा वो दवाई लेने सिर्फ। तो चलिए हम मार्केट जाना है, तो पहले मार्केट होकर के आते हैं फिर अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे शाम को। और मैं तैयार हो गया हूँ, प्लस ये रहा मेरा बैग में पर्स में पैसे भी देखने हैं, चलो पर्स में ऐसे दवाएँ हो जाएंगे आज, तो चलते हैं। तो दोस्तों मैं पहुंचने वाला हूँ हाईवे के पास, हाईवे से हम ऑटो लेंगे और उससे सीधे मार्केट पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात, मैंने बोला था मैं तैयार होता हूं और ऐसी नेकर में मैं आ चुका हूं क्योंकि मुझे लेट हो गया पता है, और अभी टाइम हो रहा है 5:21 और मैंने 5 का टाइम दिया था, 20 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं 21 मिनट्स, तो और वहां जाने तक अभी और ज़्यादा लेट होगी। सो चलो अब वहीं मिलता हूं, देखते हैं अब टाइम होता है नहीं होता। मैं अभी मार्केट से वापस आ चुका हूं और टाइम हो रहा है 6:42, हाँ तो 7 बजने वाले हैं लगभग, घर पहुँचते मुझे 7 बज जाएंगे। उसके बाद आज मार्केट में बिल्कुल फ़ोन निकालने का टाइम नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, गणेश चतुर्थी है तो इस चक्कर में सब डीजे बजा के चल रहे हैं। अभी कुछ क्लिप डालूंगा मैं उसकी, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब घर जाते हैं, खाना पीना बनाना क्योंकि पापा के साथ, पापा के दोस्त भी आ रहे हैं तो, और कल वो लोग साथ जाएंगे शायद, तो इसलिए तो घर चलते हैं, खाना पीना बनाते हैं, फिर अपनी स्टडी शाम को, अब शाम को ही होगी क्योंकि शायद अब कितना टाइम लगे उसके लिए,
तो निकलते हैं घर। क्या हो रहा है? तो टाइम हो रहा है अभी 7 दिन 10 मिनट है, तो पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद खाना पीना बनाएंगे और फिर अपनी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आज पढ़ाई भी बहुत कम हुई है। अभी मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं और टाइम हो रहा है 8:02, तो अब हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, तो वो करते हैं। और जहाँ मैं नॉर्मल बैठता था अब मैं अपने कमरे पे, तो वहाँ अभी सारे गेस्ट बैठ रखे हैं, पता नहीं मेरा ही कमरा सबको पसंद आता है। चलिए हम यहीं पर अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। तो अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट ही किया था कि लाइट चली गई, और अभी लाइट आ चुकी है और टाइम हो रहा है 9:06। तो अभी ऐसा है सब्जी बन चुकी है, तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू रीडिंग करेंगे। सब्जी। तो अभी टाइम हो रहा है 10:10, और अब मेरा सारा काम खत्म हो चुका है, तो अब हम अपनी स्टडी को बिना रुके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी 11:00 और फिर से लाइट जा चुकी है, तो अब लेट भी बहुत हो चुका है, तो सो जाते हैं, बाकी का कल कर लेंगे। और बाकी ना तो पड़ेगा, क्योंकि यही वो कहानी है जो सफल होने के बाद हमें सबको सुनानी है। तो स्टे ट्यून, स्टे मोटिवेटेड, गुड नाइट।